नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। श्री नैना देवी जी में आयोजित होने वाले नववर्ष मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार मेलों के चलते नैना देवी को 9 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। पुलिस के अनुसार कोरोना काल के चलते श्रद्धालुओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तथा उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर पुलिस का विशेष प्रयास रहेगा। डीएसपी के अनुसार मंदिर परिसर में भिक्षावृत्ति करके श्रद्धालुओं को तंग करने वालों पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। नववर्ष मेले को लेकर क्या है पुलिस का प्लान, सुनिए डीएसपी नैना देवी अभिमन्यु वर्मा की जुबानी। सर, जैसा आप सभी को मालूम है कि नववर्ष के उपलक्ष में माँ नैना देवी के दर्शन के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। अपनी जो मनोकामना पूर्ति के लिए जो उन्होंने अरदास की होती है वो आते हैं, और नया जो साल होता है उसके लिए भी कुछ मन्नतें मांगने के लिए आते हैं कि ताकि हमारा जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा रहे। तो ये जो मेला लगभग 29 तारीख से शुरू होगा और 2 तारीख तक चलेगा। बहुत दो श्रद्धालु आएंगे, पिछली बार लगभग 55,000 के लगभग एक दो दिनों में ये श्रद्धालु आए थे, तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि लगभग इतनी ही संख्या में लोग आएंगे। तो जो हमारा प्रबंधन है उसमें मेला पूरे एरिया को 9 सेक्टर में बांटा गया है। इसमें जो 4-5 सेक्टर हैं वो तो बिल्कुल मंदिर के आसपास के हैं, इसके बाद 3 सेक्टर हमारे मंदिर के बाहर के हैं, जो हमारे टोबा बैरियर से लेके शुरू होगा। टोबा बैरियर, कौनी मोड़, ग्वांडल और इसी तरह हमारे मंदिर मुख्य मंदिर तक सेक्टर बांटे गए। जो हमारा मुख्य प्रयास रहेगा, एक तो जैसा आप सभी को मालूम है कि कोरोना काल चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना लोगों को, और ताकि किसी से एक दूसरे को संक्रमण ना फैले, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है भी तो उसके लिए हमारे को विशेष प्रयास इस बार करने पड़ेंगे। दूसरा है हमारी अपनी जो फोर्स बाहर से आएगी उनकी सुरक्षा का भी, तो मास्क के लिए और जो सैनिटाइज़र है उसके लिए विशेष बल दिया जाएगा, साथ ही लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा मास्क के लिए। तो मेरी जो निवेदन है, सभी जितने भी श्रद्धालु दूर दूर से भी आएंगे, नंबर एक जो ट्रैफिक का की समस्या रहती है, बहुत सारे श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, ट्रकों में और गुड्स कैरियर में आते हैं, तो मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि उस तरह का ना करें। अगर आप सिंपल गाड़ियों में आते हैं, बसेस वगैरह में, तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी हम किसी भी इस तरह के व्हीकल को अलाउड नहीं करेंगे हमारे एरिया में, तो उससे उनको परेशानी हो सकती है। हालांकि कल जिला उपायुक्त महोदय से भी जब इस पर चर्चा हुई तो हमने कहा था कि वहाँ से अलग से भी बसेस लगाई जाए, अगर कोई श्रद्धालु इस तरह के आ जाते हैं तो गाड़ी तो हम अलाउ उनकी आगे नहीं करेंगे, लेकिन उनकी सुविधा के लिए बस या टैक्सी सुविधा उपलब्ध रहेगी। पर फिर भी गुजारिश यही रहेगी कि ना आए तो बेटर है उस तरीके से। दूसरा, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से करें। जो सेक्टर हैं उसमें हमने कोशिश रखी है कि श्रद्धालुओं को एकदम से जो गर्भगृह है या मंदिर परिसर है उस तक बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। तो टोबा में बैरियर लगेगा, कौनी मोड़ में बैरियर लगेगा, गोंडल में बैरियर लगेगा, जो गुफा पार्किंग है यहाँ पर भी श्रद्धालुओं को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, ताकि जो आगे वाली भीड़ है और रश जो है कम उनको मिले, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और अच्छे से लोग दर्शन भी कर पाएँ। अगर वहीं पर सारा भीड़ केंद्रित हो जाती है मंदिर के आसपास, तो उसमें कोई भी दुर्घटना होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी मेरी अपील रहेगी कि जो दर्शन करें तो स्थान को जल्दी से छोड़ भी दें, कम से कम सेक्टर 1-2-3 को, ताकि यहाँ पर जो और श्रद्धालु हैं उनको उस चीज़ का फायदा मिल सके। तो इसके अलावा जो एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं, जो मंदिर में कुछ गलत कार्यों के लिए आते हैं, जेब कतरे हैं, उठाई गिरे हैं, उनके लिए भी विशेष इस बार टीमें रखी गई हैं और QRT अलग से रखी गई है। और जैसा आपने आज भी देखा कि हमने मुहिम चलाई थी, जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे बच्चे, उनको डिप्लॉय उनके माता पिता ने प्रोत्साहित किया था गलत के भिक्षा मांगने के लिए, उस पर दोबारा से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई ऐसे बच्चे मिलते हैं तो हो सकता है हम उनको किसी रिफॉर्म सेंटर में भेज दें और माता पिता के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाएँ। तो ये मुहिम आगे भी चलती रहेगी।